राफेल डील को लेकर राहुल गांधी के पीएम मोदी पर वार लगातार जारी हैं। इस मुद्दे पर वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बार राहुल गांधी ने एक ईमेल दिखाकर पीएम मोदी पर अनिल अंबानी से मिलीभगत का आरोप लगाया। तो ये अनिल अंबानी को मतलब इस डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लग रहा है? डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया। डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया कि भैया, और वो मतलब आपने वो डिफेंस की फाइलें देखी हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्शन है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने तो क्लियर कर दिया मैं नहीं जानता। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑब्जेक्ट कर रही है, डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है पीएमओ इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग, और अब इनका चीफ नेगोशिएटर बाहर आ गया। चीफ नेगोशिएटर अनिल अंबानी सिटिंग इन फ्रांस नेगोशिएटिंग ऑन बिहाफ ऑफ पीएम। आई मीन कम ऑन। सो पता नहीं मतलब। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सीधे चैलेंज करते हुए कहा, मेरे खिलाफ जितनी जांच करवानी है करवा लो, मैं घबराने वाला नहीं। से बोला है, मैंने प्रधानमंत्री से बोला है, आप मेरे ऊपर जितना इन्वेस्टिगेशन करना है करो, आप हर ऑपोजिशन लीडर पे, हर आदमी पे, ऑपोजिशन के आदमी पर, हर आदमी पे आप जितना इंक्वायरी करनी है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कुछ किया नहीं, कोई इशू नहीं है, करो जितना करना है। मगर आप राफेल मामले पे भी तो कर दो, आप किसकी रक्षा कर रहे हैं? अगर आप राफेल मामले में इन्वॉल्व नहीं है तो करा दो इन्वेस्टिगेशन, जेपीसी बैठा दो, क्यों घबराएं आप? एक ही कारण हो सकता है कि आप उसमें शामिल है, क्योंकि अगर शामिल नहीं होते तो आप कहते हैं हां भैया इन्वेस्टिगेशन होगा, डालो सबको जेल में। तो हमारे ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन करना है कर लो, जितनी बार करना है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। Therefore, all this nonsense, who will be their offshore partner, decided by Rafael, this plane company, Rafael, not the government of India. But the larger issue is Rahul Gandhi, please don't play with the security of India. And what Rahul Gandhi says in India, next day the Pakistani press picks it up. You go to YouTube, because their Pakistani Air Force has got a strengthened, and so is the Chinese. And they have a vested interest. Rahul Gandhi, in the most irresponsible manner, is playing with the security of India. कांग्रेस 2019 में मोदी सरकार पर वार के लिए राफेल को सबसे बड़ा मुद्दा मानकर चल रही है। राफेल पर अब तक कुछ साफ तो नहीं हो पाया है, लेकिन जनता पर इसका क्या संदेश जा रहा है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।